Okay, let's start, guys. Welcome back. So, कैसे हैं आप लोग ओके लेट्स डू इट ऑन क्या यूट्यूब पे? इसको चार्जर लाने बोलते हैं इसका ओके लेट्स स्टार्ट वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन सो बच्चों कैसा है अपने लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ ओके चलो सो अभी है हमारे पास मैं आपको पढ़ाता हूं उसमें अभी हमारे सामने एक और हम लोग तो कॉन्सेप्ट बहुत सारी पढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं जिसका नाम है माइकल पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रैटेजी ओके दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड वो फाइव फोर्सेस हो गए आज हम लोग पढ़ेंगे जेनरिक स्ट्रैटेजी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आप मुझे बता तो हम लोग बस तो वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप चाहे वो पढ़ा दूंगा मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट से आपको जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाऊंगा ठीक है वीवर We eagerly वेटिंग for यू थैंक यू सो मच आपने लेक्चर क्यों नहीं लिए हमारे इन इन दौरान वो कहीं में बिजी था यहाँ पे नहीं था पूना में बार इसको देखो इसमें से हमने कुछ पढ़ा है कोर कंपन से पढ़ा है ठीक है इस बार आईसी का सिलेबस थोड़ा सा उल्टा पुलटा उन्होंने अलग अलग चैप्टर में चिपका है तो हमें अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज करना पड़ता अपना पढ़ाने का सिक्वेंस इसमें से कुछ पढ़ा है आपने क्या इसमें से एनसॉफ पढ़ा है और क्या पढ़ा उसके अलावा एनसॉफ ही पढ़ा है इसमें से सिर्फ एनसॉफ पढ़ा है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है चलो ये बात भी ठीक है तो मैं आपको सोच रहा हूं कि मैं एक बार देख लेता हूं मैं चलो यहां पे चैप्टर नंबर थ्री से देर इज वन कॉन्सेप्ट ओके जिसका नाम है माइकल पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रेटेजी ओके वेरी गुड अच्छा आपको मजा आएगा इसमें बहुत सो वी हैव ऑलरेडी सीन द माइकल पोटर के फाइव फोर्सेस हमने देख लिया कि वेन एवर यू वॉन्ट टू चेक द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन यू शुड हैव समथिंग टू चेक द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिश बोलते हैं हम लोग माइकल पोर्टर के फाइव फोर्सेस जिसके लिए हमने एग्जाम्पल एयरलाइन इंडस्ट्री का और जैसे प्रेशर बहुत हाई है और जितना जब प्रेशर हाई होता है ना तो फिर उसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाती है इसलिए हमारे पास में और एक माइकल पोर्टर वैसे बहुत बुद्धिजीवी इंसान है उन्होंने और एक थे लिखी हमारे साथ में जिसमें लिख दिया कि अगर कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है तो देर आर टू वेज टू अट्रैक्ट कस्टमर नंबर वन इधर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट और बाय गिविंग समथिंग डिफरेंट टू वेज टू अट्रैक्ट कस्टमर कुछ लोग अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कुछ सस्ता देके और कुछ लोग सस्ता नहीं देते कुछ अलग दे के अट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं डिफ्रेंसियन कौन से अच्छे होते हैं डी मार्ट इज अपीलिंग कस्टमर और अट्रैक्टिंग कस्टमर बाय गिविंग सस्ता आम दुकानों पर जो चीज मिलती है उससे सस्ते में देके लोग अट्रैक्ट करता है वो है डी मार्ट एवरीबॉडी एवरीवन कम ऑन बट कुछ ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट अलग देकर अट्रैक्ट करते हैं एग्जांपल एप्पल फोन एप्पल फोन नॉट अट्रैक्ट पीपल बाय गिविंग बाय गिविंग सस्ता इट इज अट्रैक्टिंग पीपल बाय गिविंग समथिंग डिफरेंट पैसा बहुत ज्यादा ले रहा है पर कुछ अलग है उसकी क्वालिटी उसकी प्रिवेसी उसकी टेक्नोलॉजी अलग है सर so, दोनों में से अच्छा कौन है सस्ता देखिए आप कल चके सीए बनोगे मैं सस्ते चार्ज करके कस्टमर को अट्रैक्ट करूं या फिर मैं अपने क्लाइंट से ज्यादा पैसे लूं पर कुछ अलग सर्विसेज दूं आप क्या करोगे भाई सी ए साहब बन जाएंगे ना उसके फीस चार्ज करने की बारी आएगी अट्रैक्ट तो पीपल बाय गिविंग एकदम सौ रुपए में आई टी आर दो सौ रुपए में टी डी एस तीन सौ रुपए में जीएसटी ऐसा कुछ करोगे वॉट विल डू कुछ आप एड यूल अट्रैक्ट पीपल बाय सस्ता और बाय गिविंग समथिंग डिफरेंट ऑल विल चार्ज वेरी हाई प्राइस बट अपनी क्वालिटी बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छी होना चाहिए क्या करोगे आप डिफ्रेंसिएशन द आंसर इज डिपेंड्स आंसर इज डिपेंड्स यू कैन से कॉस्ट यू कैन से डिफ्रेंसिएशन बिकॉज कुछ ऐसी जगह है आज भी भारत में जिसको टीयर थ्री टीयर फोर शहर बोलते हैं डोंट कंसिडर ओनली बॉम्बे बैंगलोर पुणे और मे बी ऑल मेट्रो सिटीज इन शहर में पेइंग कैपेसिटी है आप अलग सर्विसेस दोगे ना और ज्यादा चार्ज करोगे क्लाइंट देगा क्योंकि तो क्लाइंट को यहाँ पे क्वालिटी की कदर है क्वालिटी की फिक्र है अगर मैं यही चीजें किसी गाँव में करूँ किसी छोटे से शहर में करूँ ना तो अगर मैंने पैसे बढ़ा दिए भाई वहां पर अगर मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड्स वो इस औरंगाबाद शहर है यहाँ से तो उस शहर में वो प्रैक्टिस करता है

ओके okay, अगर आप पुणे बॉम्बे में चार्ज कर रहे हो तो बिकॉज यहाँ पे पैसा देने के लिए लोगों के बहुत है बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस इन वेरी स्मॉल शहर वहां पे प्रॉब्लम होती है दे एक्सेप्ट यू सो इजीली मित्रों कॉस्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन की बात करें आगे बढ़ेंगे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आप जवाब देना है कॉस्ट और डिफ्रेंसिएशन में ये किसकी बात करो? Me, guys, कर रहा हूं कैन यू प्लीजाइज नाइकी क्या है नाइकी शूज सस्ता देकर है या महंगा है पर कुछ अलग है नाइकी शूज ऐसा कुछ भी कुछ भी नहीं बेचता है वो बहुत अच्छा शूज बेचता है पर महंगा होता है डिफ्रेंसिएशन एप्पल फोन डिफ्रेंसिएशन वॉलमार्ट मार्ट डी मार्ट अट्रैक्टिंग पीपल बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट आपसे सवाल पूछेंगे आप बताएंगे बाबा रामदेव पतंजलि सोच के जवाब देना बाबा रामदेव का आपने बहुत सारा प्रोडक्ट देखा होगा हावला जूस आपने दंत कांति केश क्रांति बाबा ने बहुत प्रोडक्ट बनाए बाबा की मैगी भी आती है आप मुझे तो बाबा की प्रोडक्ट जो है वो लोग सस्ता है इसलिए बाय करते हैं या कुछ अलग है या उसमें दोनों भी है और सर यहां पे है बाबा रामदेव ने जो काम किया है ना बेटा बाबा रामदेव को अंडर एस्टिमेट मत करना ही इज द बिग बिजनेस मैन ही मेड द बिजनेस ऑफ फोर्टी थाउजेंड क्रॉड्स मजाक नहीं है वो तुम्हारे लिए बाबा होगा इज बिजनेस टाइकून बाबा रामदेव बहुत ही जल्दी अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं पतंजलि का आईपीओ लेकर आएंगे ना तो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होगी एफ के की साढ़े तीन लाख करोड़ का वैल्यूशन मिलेगा उसको बड़ा कंपनी भाई बाबा रामदेव इज अ बिग मैन एक बार तो हमें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आई भाई बोलने के लिए बाबा है वो इज हैविंग पैड इी सिस्टम टेकी बाबा है वो मतलब बाबा को मैंने एक एक सवाल मैं एक सवाल पूछा बाबा बस इतना जवाब दो मुझे आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट तो मेरे बहुत पहचान वाले लगी बहुत करीबी है मैं एक प्रश्न बाबा बस इतना फैला हुआ व्यापार कैसे मैनेज कर रहे हो आप हाउ डू यू मैनेजो आप तो कभी इधर कभी उधर बेटा सो इजी ईआरपी आर पी है मेरे पास बाबा ने आईपैड खोला सॉफ्टवेयर खोला जो चाहिए दिखता है बेटा इसमें आई वॉज सो इम्प्रेस्ड प्रभावित थे उनसे कौन है भाई वो बाबा को बुलाते हैं लोग आई एम अहमदाबाद में जो एम बी करते हैं ना वो लोग भारत के अच्छे बिजनेस मैनेजर माने जाते हैं एम बी एस बाबा को बुलाते उनको ज्ञान देने के लिए कौन है वो बिजनेस टाइकून है भाई वो वो आपको लगता वो है वो बाबा है ऊपर हाउ टू मेक बिजनेस बाबा रामदेव द ओनर ऑफ पतंजलि सर उनका एग्जाम्पल हम लोग क्यों लिया बताओ कॉस्ट है, है। बाबा ने सस्ता दे के अट्रैक्ट किया और बाबा देते हैं हर्बल स्वदेशी आयुर्वेदिक आयुर्वेदा <laughs> बाबा असम इंसान है बाबा ने इमोशनल हो गए एक जींस भी लॉन्च करें संस्कारी जीन्स। आपको मजाक लग रहा है हम आपको आज दिखाए बाबा को क्या हुआ है बाबा क्या कैसा कैसे बाबा को एक दिन बहुत गुस्सा है जब बाबा के आसपास नहीं गया बच्चे लोग आजकल फटा हुआ पहनते रहे शॉर्ट पहन लेते बहुत ही फटा हुआ पहन लेते तो बाबा को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं ये जनरेशन रही ये मैं देख नहीं पा रहा हूं तो किसने बोला बाबा फिर देखने में तो आप कुछ आप ही बना दो कुछ तो बाबा ने नाम ही रखा संस्कारी जींस है <laughs> ना बाबा वो दिवाली का धमाका हां इसमें चंदन की खुशबू आ रही है चंदन की खुशबू ये कस्तूरी की खुशबू है कस्तूरी की आरे से 14 वांस तक रहेगी इसको धोना भी पतंजलि हर्बो वॉश से ये लेडीज के लिए बनियान है की बनी है ये है लंगोट लंगोट से लेकर के कोट तक जीन से लेकर के साड़ी तक मैं नेहा पंत आ गई हूं एक ऐसे शोरूम में जो कहीं से भी सामान्य शोरूम नहीं है ये बेहद अनोखा खास और अलग किस्म का शोरूम है एफ एम सी जी वर्ल्ड में धमाका मचाने के बाद दवाइयों से लेकर के कई तरह की औषधियां और बहुत उत्पाद बेचने के बाद दूध दही छाछ तक आपके द्वार पहुंचाने के बाद अब कपड़ों का कारोबार लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं धमाल मचाने और दिवाली ऑफर तक मिल रहा है अगले पांच दिन पर्व तक विशेष तो वो तो इंटरनेशनल पैरामीटर से ज्यादा बेहतर है मैंने सारे पैरामीटर्स की चर्चा करते हुए इस बात को कहा है है और आ... सॉलिंग सॉलिड मार्केटिंग बाबा ब्रांड की जरूरत नहीं उनको अपने आप में एम्बेडर अब अब देखो यही देखिए खादी देख। का है अब खादी में ये डिजाइन आपने कभी देखा कभी देखा <laughs> ये खादी का है ये फैब इंडिया की बैंड बजाने के लिए नहीं है आप वो जो हमारे खादी में काम करने वाले जो हमारे बुनकर हैं वो जो हम का सपना हो गया हो गया, ये नहीं लगता आपको कहीं स्वदेशी अभियान के कल इस करते हैं स क्या कर सकते हैं मेरे ऊपर भाई ये तो कंपटीशन है आओ ना मैदान में मैं तो कहता हूं विदेशी ब्रांड से हम तीन से पांच गुना सस्ता दे रहे हैं आज मैंने चैलेंज किया कि जो हम शर्ट जो हम जींस और बनियान जो ग्यारह सौ रुपए में दे रहे हैं विदेशी कंपनियों की पांच से सात हजार रुपए में मिलती है कोई भी मेरे ऊपर कोर्ट केस करे मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूं हम लोगों ने इनके दाम बहुत कम रखे कॉस्ट कॉस्ट कम रखी है बाबा इज अट्रैक्टिंग पीपल बाई रिड्यूसिंग दस्ट पर जैसे जींस के उधर गए बाबा ने एक चीज बताई इसके अंदर केवल नहीं है तो बाबा ने आगे बोला इसमें महक आती है चंदन की मैंने कहा जींस में चंदन की महक से क्या करना भाई जीन्स तो कौन सूंघता है भाई जींस ऑसम है इसमें आती है महक मतलब बाबा ने बता दिया मैं कॉस्ट तो हूं ही पर मैं डिफरेंट भी हूं क्या कभी ऐसे देखे महक आपने कहीं उसके बावजूद हमने 25 प्रतिशत की छूट दी कि मैंने कहा भी होता क्या और बाबा कम बोल रहे थे ये म्यूजिक लगा लगा कि उन्होंने उसको माहौल बनाता जींस में देख रही हूँ मतलब फिट की। हाँ, अब ये फटी हुई भी, 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 भी है। आ, अच्छा फिट की श्रेडेड जींस जिसको कहते हैं वो आजकल फैशन में है ना लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है हा? जितना भारतीय संस्कृति में <laughs> <laughs> मानना पड़ेगा भाई <laughs> स्वीकृति है अच्छा तो इस जींस कि सब कुछ देखिए स्किनी जींस होती है श्रेडेड जीन्स होती है आपके जींस का क्या नाम रखें रामदेव जी ये संस्कारी जीन्स है संस्कारी जीन्स है और हमने ये लि फिट ब्रांड इसलिए रखा कि फिट भी रहेंगे और संस्कारी दिखो संस्कार पहनो इधर आओ अब ये मैं अभी, इसको अभी तुरंत पहनने के लिए तो नहीं बोलूंगा ऐसे कमर के लगा ले देखो क्या हो? कि ये अब किस चीज की कमी है लोग ये, ही, <laughs> ये ही जीन्स तो देखो कितना मजा ले रहा है तो उसको कितने मजा आ रहे है जीवन के अब मैं एक कंपनी का नाम लिख रखा है कर दो मेरे ऊपर केस सुपर ड्राई सुपर ड्राइव वाले यही जींस सेम क्वालिटी सेम इसकी डिजाइन उसका ये ये पूरे सिलाई सब चीजें लेकर के ये पांच हजार रुपए की बेचते हैं खुले आम लूट है तो आप एक घंटी बजाओ कार्यक्रम करते हो ना बस बस बाबा ने आके जो करा है बाबा ने बट ट्रस्ट मी गाइस बट जिस बंदे के अंदर बहुत दम है पतंजलि का टर्नओवर देख लो यार क्या कर रहा है वो फोर्टी फाइव थाउजेंड खरॉड्स भैया बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं ये इसकी ऑलरेडी पतंजलि फूड्स नाम की कंपनी मार्केट में आईपीओ ला चुकी है बाबा ने कंपनी को बाय किया था इसका नाम है सोया रुचि सोया और रुचि सोया बिल्कुल बर्बाद कंपनी थी उसको केवल चार हजार करोड़ में बाय किया था आज देखो बाबा ने कितना पैसा बनाया आपको देखना है ये रुचि सोया मैं पतंजलि फूड्स डालता हूँ पतंजलि फूड्स मार्केट क्या देखिए बाबा हैज मेड द कंपनी ऑफ फिफ्टी सिक्स थाउजेंड करोड और ये भी बाबा का एक डिवीजन उसके अंदर इसे फूड वाला बाबा पुरानी है अभी तक इसमें बाबा का पूरे प्रोडक्ट लाएंगे ना वो जो सारे है केश क्रांति दंतक्रांति हावला जूस जो, जो भी है वो सब जब लेके आएंगे तो वो बाबा के साढ़े तीन लाख करोड़ की कंपनी है ये तो केवल बाबा ने एक अपना बच्चा लॉन्च किया है पतंजलि फूड नाम का वो भी रुचि सोया को एक्वायर किया था उन्होंने रुचि सोया क्या बनाती मानो मैं खाने का तेल आज भारत में बहुत बड़ा काम कर रहे बाबा बाबा की कॉम्पिटिशन अडानी से अडानी विलमार से अडानी विलमार में एक कंपनी जो खाने का तेल बनाती है और बाबा उसको टक्कर दे रहे रुचि सोया रुचि सोया बाय पतंजलि देखो बाबा ने उसको चार हजार करोड़ में लिया था बस और कंपनी बन गई अभी छप्पन हजार करोड़ की फोर्टीन एक्स वॉल्यूशन बढ़ा बाबा ने उसका और खराब बर्बाद कंपनी हो गई थी उसके ऊपर बहुत बड़ा डेट था इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से लिया था मतलब उसको बेच वाली निकली थी वो कंपनी बर्बाद थी बाबा हैज एक्वायर्ड सस्ते के भाव में और बाबा ने ऐसी बोलते ना बाबा जहां पे हाथ डालते मिट्टी का सोना हो जाता है बहुत हजार है वो हंड्रेड्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंट और एमबीएस काम करते उनके पास में हंड्रेड इट ए नॉट अन सच अग कंपनी डिफरेंट ऑल्सो बाबा के पास दोनों भी चलो आप बताओ कितने लोग मैगडी में जाते हैं मैगडी क्या करता है? करते, है करते हैं कैसे अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को बाई गिविंग समथिंग डिफरेंट और बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट सोच के बताओ जितने लोग मैगडी जाते क्यों जाते सस्ता है इसलिए या अलग है इसलिए सोच के जवाब दे यहां पे जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो बताएं मुझे बोलोगे आप मुझे अरे बोलो सर बोलना क्या है मैगडीज अट्रैक्टिंग पीपल बाई रिड्यूसिंग कॉस्ट मैकडोनल्ड्स में कोई भी इंसान जब खाने के लिए जाता है तो वहाँ पर इसलिए नहीं जाता है वो जनरली जनरली वो क्यों जाता है बिकॉज वहां पर सस्ता होता है तीस चालीस रुपये में बर्गर मिल रहा है पचास में बर्गर मिल रहा है आप कॉलेज के बच्चे जाएंगे तो पाँच सौ रुपये में दस लोग खाना गए पर ये पांच सौ रुपये में दस लोगों का खाना रेस्टोरेंट में नहीं होगा सस्ते में खाना हो जाता है तो दे आर अट्रैक्टिंग कस्टमर बाय गिविंग समथिंग डिफरेंट नो दे आर अट्रैक्टिंग कस्टमर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट प्राइमरली पर धीरे धीरे जब लोगों ने बहुत सारा खाया उसको लोगों की टेस्ट डेवलप हो गई तब कुछ लोग सिर्फ शौक के लिए जाते हैं वहां पे फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए मैक मैकवेजी खाने के लिए तो नाउ द कंपनी इज अट्रैक्टिंग कस्टमर बाई बाय डूइंग बोथ सस्ता भी कर रहे हैं और अलग भी कर रहे हैं आप बताएंगे एप्पल फोन क्या कर रहे हैं ट सस्ता दे रहा है क्या डेढ़ लाख दो लाख का फोन दे रहा है सस्ते तो बात ही नहीं चल रही है समथिंग कुछ तो अलग बात है माइकल पोटर यही बोलता है आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको पता होना चाहिए आपको सस्ता देखें अट्रैक्ट करना है या कुछ अलग देखें चलो मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं एयरलाइन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आप एयरलाइन अगर इंडस्ट्री अपनी चालू करोगे आप क्या करोगे इट एज़ टू बी सस्ता और इट एज टू बी डिफरेंट चलो मैं आपको सिचुएशन देता हूँ यहाँ से दिल्ली जाना है और फ्लाइट का किराया है छः हज़ार पाँच हज़ार जनरली इतना होता है पाँच छः हज़ार पर आपने अपनी एक नई फ्लाइट निकाली बोला किराया बीस हजार अलग देंगे कुछ बोले क्या अलग देंगे आपको बिटा के नहीं लेटा के लग जाएंगे लेटा के बोला था ना स्लीपर कुछ तो फ्लाइट को स्लीपर कोच बना देंगे फिर हमने खाना बहुत अच्छा देंगे और हर एक पैसेंजर के साथ मैं दो रेस्टोर होंगे सर्विसेज के लिए तो आप मुझे बताएं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं आपको पर वहां पे आपसे विल चार्जर ट्वेंटी थाउजेंड और एक जो है वो इंडिगो एयरलाइन जैसी बहुत कंजेस्टेड ऐसे ऐसे बैठेंगे चिपक के बैठेंगे खाना ना कुछ फ्री देंगे नहीं पर पांच हजार में छह हजार आप मुझे बताओ आप भारतीय कस्टमर हो आप किससे उड़ना पसंद करो क्यों भाई वो बीस हजार में आपको इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहे क्या काम का मतलब बेटा लेटा के ले जाएंगे खाना देंगे खाना खिला भी देंगे हाँ आप किस में उड़ना पसंद करोगे अरे यार भाई तुमको दो घंटे में ऐसा सुख प्राप्त करेंगे तुम <laughs> बोलेंगे सर हम लोग जो पूना में या किसी भी जगह पे हम लोग जब एक महीने का जब रेंट भरते हैं वो रेंट पंद्रह हजार का है एक महीना जब रहती तो पंद्रह हजार सला यहां तो दो घंटे उड़ना है कौन पंद्रह हजार जाना देगा हम सारे भारतीय लोग के डीएनए हैं पैसे बचाना ये हम लोग बाय डिफॉल्ट माइजर है हम यूएस की पैदाश नहीं है हम जब पैदा होते हैं ना तो इंजेक्शन मिलता कॉस्ट बचाओ ऐसा नहीं कि जो गरीब लोग ही कॉस्ट बचाते अमीर लोग बोलते मम्मी बेटा खराब दिन कभी भी आ सकते हैं का किसने देखा है पैसे बचाओ घर से डोस ही मिलता है आपको डीएनए में हमारे हम वहीं जाएंगे आप पैसे बचेंगे और वैसे भी दो घंटे के लिए क्या फर्क पड़ता है भाई तुम लेटा के ले जाओ या बेटा के हम तो बोलेंगे भैया खड़े कर दो हमको पांच हजार के बदले चार हजार ले लो भैया हम खड़े चल जाएंगे और एक हजार कम कर दो पायलट के बाजू में बैठ जाएंगे तुम और थोड़ा कम कर दो लटक भी जाएंगे भाई हम लोग कौन है हमें दो घंटे में क्या चाहिए भाई कौन सा कंफर्ट जा रहा भाई और इसीलिए किंग फिशर एयरलाइंस ने बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट लाई थी इंडिया में बहुत कंफर्टेबल अब वैसे विजय माला वैसे भी शौकीन आदमी था उसको लगा शौक पूरे करेंगे और बड़ी कंफर्टेबल पर वेरी एक्सपेंसिव अब जानते हो आज दुनिया में रही नहीं हो मर गई देखो भाई आज अगर भारत में एयरलाइंस चालू करना जब भी मैं टिकट बुक करता हूँ ना जितने लोग एयरलाइंस में घूमे हैं हम यही देखते नहीं कौन सी कंपनी हम देखते कौन सी सस्ती है

सस्तेपन में नहीं होते लेट इट बी एन एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन और हॉस्पिटल हॉस्पिटल और एजुकेशन में आपके मां बाप चाहे कभी भी आपसे माइजर वाला काम करेंगे पर एजुकेशन में आपको कभी पैसे के लिए पीछे नहीं हटेंगे जब बच्चों के एजुकेशन का सवाल आता है तो पेरेंट बोलता महंगी से महंगी चीज लेना बिकॉज ये आपका करियर बनाएगा इसलिए अगर इंडिया में एजुकेशन स्कूल जो है वहां पे कॉस्ट वाला काम कम चलता है व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर द डिफरेंसिएशन क्या आपको कुछ यूनिक चाहिए एंड देन इन दैट केस इफ यू वांट टू पे मोर यू आर रेडी टू पे मोर नो प्रॉब्लम बट आपको कुछ भाई एजुकेशन सस्ता वाला लगेगा क्या करेंगे बोले करियर ही नहीं बनेगा चलो एग्जाम्पल काम करते हॉस्पिटल की बात करते जब भी आप डॉक्टर का कर सर्च करते हैं आप क्या बोलते सस्ता बताओ डॉक्टर अच्छा बताओ डॉक्टर अच्छा। आप किसी अनजान से अरे यार अच्छा कोई डॉक्टर है क्या आप ये नहीं पूछते सस्ता वाला बता दो भैया दो चार इंजेक्शन घुसेड़ना है ऐसे तो नहीं बोलेगा <laughs> हम लोग क्या बात करते हैं व्हाट वी थिंक व्हाट वी टॉक इज भाई डॉक्टर बताओ अच्छा चलो मान लो एग्जाम्पल की बात करते मान लो कोई आपको बाईपास कर रहे हैं हार्ट का बाईपास कर एक डॉक्टर पांच लाख ले रहा है एक डॉक्टर पचास हजार ले रहा है और समझो कभी कुछ एक नर्स इधर उधर हो गई तो सीधा शहीद हो जाते तो मुझे बताओ आपके घर वालों में या किसी नजदीकी रिश्तेदार में ऐसा कुछ हो रहा है और यू आर द डिसीजन मेकर आप क्या उस समय भी बोलेंगे कि भाई सस्ता करो पेशेंट बचेंगे तो नहीं बचेंगे पर मेरे पैसे बचना चाहिए हर चीज में कॉस्ट नहीं चलेगा अंडरस्टैंड करो वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी एप्पल वैल्यूशन वाइज थ्री ट्रिलियन डॉलर्स इधर देखो मेरे पास इधर को इधर एप्पल कंपनी इससे बड़ा वैल्यूशन किसी का भी नहीं है एप्पल शेयर प्राइस वैल्यूएशन देखिए 2.89 लाख करोड़ थ्री ट्रिलियन थ्री ट्रिलियन भाई इंडिया का जीडीपी चार ट्रिलियन डॉलर का है इसका ट्रिलियन तीन ट्रिलियन उसका अकेले का वैल्यूएशन है आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं मेरे डेप्थ मेरी बातों में इंडिया के सारे कंपनी का इंडिया के पूरे पूरे इंडिया का जो प्रोडक्शन का जो जीडीपी बोलते हैं इट इज टचिंग टोर ट्रिलियन डॉलर कंपनी का अकेले का वैल्यूएशन है थ्री ट्रिलियन डॉलर डेढ़ पांच सौ बारह जीबी ले लो एक टेरा जीबी का होता क्या मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड पर कभी बिजनेस करते हैं, पर उसने वो अपने तरीके से बिजनेस कर रहा है फाइव हंड्रेड ट्वेल्व जीबी डेढ़ लाख में बोले सर ओका एक टेराबेड एक लाख अस्सी हजार रुपए में इनसेन भाई वो जो पांच सौ जीबी जो बढ़ रहा है ना उसमें तीन फोन आ जाएंगे क्रेजी कितना पैसा दे रहा है वो वर्ल्ड का सबसे नंबर वन कंपनी बन गया पर एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट वॉलमार्ट जो आपको मैंने शायद से इसके प्रीवियस एपिसोड में बताया था वॉलमार्ट इज नंबर वन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परिवर्च हंड्रेड पर वॉलमार्ट सस्ता देता है अट्रैक्ट करता है सस्ता और एप्पल डिफरेंट करता है कि ये कहना गलत होगा जो लोग सस्ता देता हो वह वाहियात होते हैं वॉलमार्ट सस्ता देता है फिर भी नंबर वन एप्पल डिफ्रेंसिएशन देता है फिर भी नंबर वन है तो फिर मतलब क्या मतलब ये हुआ सस्ता देना है कि डिफरेंसिएशन अच्छा क्या सस्ता अच्छा ऐसा नहीं डिपेंड्स आप एयरलाइन में यू हैव टू बी कॉस्ट कॉस्ट अगर आपको कुछ एजुकेशन में है आप अस्पताल में हो इट है तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट इज से प्राइस सेंसिटिव जहां पे लोगों को पैसों की बहुत फिक्र है कदर है गो फॉर कॉस्ट अगर लगता है लोगों को पैसों की आप यूएस में प्रोडक्ट ला रहे हो लो। लोगों को पैसे की कदर नहीं है बहुत पैसा ऑलरेडी है गो फॉर डिफरेंसिएशन आप ये थमरुल नहीं बना सकते मैं तो कॉस्ट ही करूंगा डिपेंड्स अच्छा दोनों भी है दोनों में भी बड़ा कम नहीं बताओ चाइना के लोकल फोन अरे बोलो क्या बोलो ना यस सर क्या कॉस्ट है डिफ्रेंसिएशन बताओ दे आर अट्रैक्टिंग पीपल बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट अच्छे फीचर्स दे रहे और कम भाव में दे रहे बराबर कह रहा हूं चलो एक सवाल का जवाब देना आप मुझे एक कॉस्ट और डिफ्रेंसिएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं आप मुझे बताओ एप्पल फोन की तरह नाइकी की तरह नाइकी शूज जियो टेलीकॉम जब नया नया आया था आज के तारीख में जियो क्या है आज सस्ता दे रहा है मतलब यू आर यू आर बाइंग यू आर यूजिंग जियो बिकॉज और सस्ता और बिकॉज इट इज अलग किस बारे में अलग दे स्पीड वॉइस क्वालिटी ये सब है इनिशियल डेज में ऐसी पुंगी बजाई थी इसने आइडिया को बर्बाद किया वोडाफोन को बर्बाद किया कैसे मालूम है एक तो सस्ता भी दे रहा है फोकट में एक साल भर तक तो फोकट दिया वो भी उनके इंटरनेट से इसका इंटरनेट अच्छा उनका टू जी पेड इनका थ्री जी फोकट उस समय वो जब आया था ना ये डबल इंजन बोलते इसको, जब आप सस्ता भी है और अलग भी दे रहे हो आपकी ग्रोथ जो है दिन दुगना इस तो जियो इतना बड़ा हो गया सर सस्ता दे रहा अच्छा दे रहा है और क्या चाहिए वे जीवन में अक्सर अच्छा देने के चक्कर में लोगों की कॉस्ट बढ़ जाती है बिकॉज आपको अच्छा देना है पर जियो का और बाबा रामदेव का ग्रोथ का यही कारण है कि वो सस्ता भी दे रहे थे अच्छा भी दे रहे थे एप्पल क्या कर रहे अच्छा दे रहा पर सस्ता नहीं दे रहा। एक बात मैं आपसे पूछता हूं आप जवाब देना कॉस्ट और डिफ्रेंसिएशन में आप मुझे बताओ किसकी प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा होती होगी एप्पल फोन की या चाइना के लोकल फोन की प्रॉफिट पर यूनिट बोल रहा हूं बराबर है यानी डिफ्रेंसिएशन में यू आर एबल टू चार्ज मोर और आपकी पर यूनिट की प्रॉफिट ज्यादा हो जाती है एक बात बताओ किसमें क्वालिटी आप बना सकते हो सस्ता करके क्वालिटी क्यों नहीं बना सकते आपको सस्ता भी भेजना फिर अच्छा क्वालिटी कैसे बनाएंगे छह हजार में फोन भी चाहिए फिर बोला इसमें वो नहीं भैया ये ने अरे भाई तो हल्का छह हजार रुपए दे रहा है हैं एप्पल जैसा डे एलिगेंट लुक भी चाहिए कैसे मिलेगा एक सवाल वेन आई वॉज स्टार्टिंग गुरुकुल आई है आई शुड गो फॉर कॉस्ट ऑफ differentiation इधर आई कैन सेल by रिड्यूसिंग द कॉस्ट और आई कैन गिव द सेम प्रोडक्ट इन differentiation मेरे पास दो ऑप्शन थे मैंने बहुत सोचा ये मेरे लिए स्ट्रैटेजी डिसीजन था सोचा ना मेरे लिए तो बहुत बड़ा डिसीजन है अगर मैं कॉस्ट ओरिएंटेड अप्रोच मानता तो मुझे बहुत सारी सुविधाएं कम करना पड़ती जिम हटाओ स्विमिंग पूल हटा दो स्पेशल स्टडी रूम हटा दो लॉन्ड्री हटा दो और कमरे वाहियात कमरे वाहियात टॉयलेट ले लो मुझे लगा यार अगर मैं सच में अच्छी चीज बनाना चाहता हूं और लोग को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहता हूं तो कॉस्ट में नहीं होगा क्योंकि द मोमेंट आई विल गो फॉर कॉस्ट सस्ता वाला तो ना मैं अच्छे कमरे दे पाऊंगा ना मैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्बियस दे पाऊंगा बिकॉज कॉस्ट कम मैं तो लॉस में तो बिजनेस नहीं करूंगा सस्ता बेचूंगा तो क्या करूंगा मैं सुविधा ही कम कर दूंगा कपड़े तुम तुम्हारे धो लो लाइब्रेरी नहीं जिम नहीं यहां पे लाइट का बिल भी तुम भरो ये सारी चीजें करता मैं और ऐसे यहां पे कैसा है गुरुकुल में हर तीन चार लोगों के बीच में एक अपना सेपरेट टॉयलेट है अगर मैं पैसे बचाता तो क्या करता पचास सौ लोगों में चार टॉयलेट कॉमन यूज करो गंदा टॉयलेट आज अपने घर पे जैसे टॉयलेट नहीं वहां पे टॉयलेट है अपने घर पे जो बेड नहीं है हमारे घर पे चार इंच का बेड है गुरुकुल पे बारह इंच का बेड एक बेड एक लाख दस हजार रुपए आप अच्छा देना है आप बोलेंगे सस्ता होंगे तो कैसे चलेगा दोनों चीज आपको ये अपने ऊपर है गलत कुछ भी नहीं है आप सस्ता करो फिर ये सब रूम हल्का टॉयलेट हल्का गद्दी छोटे काना भी वाहियात हर चीज में कॉम्प्रोमाइज 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 धंधे दोनों भी चलेंगे आपको डिसाइड करना है आपको एप्पल बनना है कि लोकल फोन बनना है इट इज ऑल ऑल अप टू यू नहीं सीए बनने का आपके ऊपर दो ऑप्शन होंगे आपको एप्पल वाली प्रैक्टिस करना है कि लोकल चाइना फोन की करना है डिपेंड कोई थम रूल नहीं है कॉस्ट वाले भी पैसे कमाते मैं आपको बता रहा हूं कॉस्ट गलत नहीं है आप ये मत कि डिफरें वाला अच्छा है जो सस्ता बेचता है डिपेंड भाई किस क्राउड को केटर कर रहे हो आप मेरे को यह पता था अगर सस्ता ऑप्शन चाहिए ना तो लोगों के पास में बहुत ऑप्शन है ए ऐसी वाहिया करके वो करके बहुत जगह पे पूना में जगह मिल जाएगी बट पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं इस तरह का प्रीमियम जगह नहीं है जहां पे इतना अच्छा फैसिलिटी है सिर्फ सी स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव है तो इसलिए आई वेंट फॉर बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट डिफ्रेंसिएशन कि चलो इसको कुछ अलग बनाते और आज भी हिंदुस्तान में कोई कॉम्पिटिशन नहीं मुझे जिसको डिफरेंट चाहिए वो यहां पर आएगा हाँ जिसको सामान्य रूम में रहना पसंद है खराब टॉयलेट चलेगी बारह तेरह लोग एक वन बी एच के टू बी एच के अगर ऐसी चीजें जिसको चल रही है तो दे विल गो फॉर कॉस्ट कॉस्ट बचेगी बट दे विल नॉट गेट देसिएशन तो ये किसकी टाइप होती है ये डिपेंड्स ऑन कस्टमर का चॉइस धंधा बुरा किसका भी नहीं है धंधा दोनों में अच्छा है अब तुमको ओयो बनाना है कि जेडब्लू मेरिट बनाना है तुम्हारे ऊपर है भाई ओयो के कस्टमर अलग है जेडब्ल्यू के अलग है अब आपको ओयो बनाना है कि जेडब्ल्यू मेरिट बनाना है आपके ऊपर है ओयो क्या है ओयो का इस्तेमाल कॉस्ट ओयो होटल्स का भी इसलिए वाह क्या ओयो ए ओयो होटल जनरली फॉर बहुत सस्ता वाला आप तो एक्सपीरियंस किए होंगे अरे ओयो <laughs> ओयो का ओयो का एक ऐड आपने सुना था कभी बड़ा इंटरेस्टिंग एड है ओयो एक बार मुझे एक ओयो का एड आया मस्ती कर रहा हूं मुझे हो के, तो वो एक, एक चिंटी और चिंटू जाते में तो क्या बोलता है होटल का मैनेजर बोलता है शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड तो वो लड़का अपना आइडेंटिटी कार्ड देता लड़की बोलती मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो बोले नाम बोलो बोले कोई जरूरत नहीं मेरे पास है तुम्हारा कार्ड वो लड़का बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ कभी नहीं आया तुम किसके साथ में आई थी है? कोई बात एनीवेज ओयो इज नो कॉस्ट आपको पता है प्लीज डीमार्ट क्या है डीमार्ट कोई भी चीज जहां डिमांड आता ना एक जगह भाई साहब डीमार्ट है आई आज डीमार्ट आपने डिमांड के बारे में थोड़ी अपन चर्चा की थी पहले भी आज डीमार्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं मित्रों व्हाट इज डीमार्ट डीमार्ट इज नथिंग बट व्हाट डिमार्ट अगर देखता हो ये देख लीजिए कंपनी का वॉल्यूशन देखिए ढाई लाख करोड़ हो गया भाई क्या कर रहा है बड़ा किराना शॉप डाल कर डालकर नाइन्टी परसेंट सारे जो डिमार्ट के स्टोर्स है ये खुद के ओन्ड ओन्ड एंड इट बिलोंग्स टू दिस गाय नाम तो सुना होगा राधा द मैन बी रिचेस्ट पर्सन डिमार्ट को इसने एक चीज से बनाया अगर आप सोचो किराना दुकान से सर्फ से लो और लोग से लो दोनों की सर्फ से है। फिर आप क्यों जाते है सस्ता है ना भाई आप समझे नहीं किसी को राशन भरना ना, वो कभी जाएगा नहीं कभी बाहर भैया डीमार्ट जिस एरिया में आता है ना बाकी एरिया के लैंड के और प्लॉट के रेट बढ़ जाते इतना डिमार्ट के वर्चस्व है आज इंडिया में डिमार्ट को हल्का मत समझे एक दो एकर में आता है वो और इस एरिया के चहल पेल बढ़ जाती है उस एरिया में क्योंकि लोग अगर छोटी मोटी कुछ चीजें खरीदे तो लोकल किराना शॉप पे जाएगा तो उसको महीने का राशन भरना है ना क्या तो जानते भाई अगर दस हजार अगर किराना शॉप पर मिल रहा है यहाँ पे आठ हजार में मिलेगा तो चलो डिमांट तो डिमांड क्या है अट्रैक्टिंग पीपल बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट उसने धंधा ही बनाया वैसे अट्रैक्टिंग पीपल अरे वहां पे जब वो आता है ना बच्चों तो आसपास की सारी किराना दुकान की लग जाती है दिस एरिया में डिमांट आया तो आसपास के दो तीन किलोमीटर के दुकान वालों से सिर्फ पूछना भैया कैसा महसूस करते हो आप बहुत बुरा अरे धंधे बर्बाद कर देता है वो नंगा करता है आज सोचो आपकी दुकान ठीक उसके सामने है कैसा महसूस करोगे आप लोग आ रहे हैं आपके सामने उधर से आपके कोई क्यों आएगा क्योंकि आप और आप लॉस में कैसे बेचोगे वो अंदर से लक्षा दस रुपए की आप बोलते हो एमआरपी बारह है अरे वो दस में बेच सकता है उसको बिकॉज उसने एक लक्ष्य नहीं बाई की उसने दस लाख लक्ष्य बाय करी हुई उतनी खुशबू आती उसमें भी पर उसने बाई करते सा... राधा कृष्ण दमानी क्या करता है hmm. क्या है लक्स वी वॉन्ट टू बाई लक्स आओ जरा इधर प्राइस डोमिनेंस ये करता है एक्चुअल डिसाइड नहीं करता ये बोलता है मुझे ये प्राइस चाहिए यह बोलोगे भाई कॉस्ट वाला ये अलग लेवल है तो इनका अलग है दे आर अट्रैक्टिंग पीपल बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट वॉलमार्ट डी वही खानदान से बिलोंग करते हैं। आप मुझे कोई बताएगा अमेजॉन कौन है यू आर बाइंग फ्रॉम अमेजॉन बिकॉज ऑफ द डिफ्रेंसिएशन और बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑब्वियसली अमेजॉन पे जो सस्ता मारते हैं वो सस्ता सस्ता घर तक लाके भी देते बिल्कुल सही है एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप मुझे जवाब देना कॉस्ट और डिफ्रेंसिएशन में किसका रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए सस्ता बेचने वाले का या अलग बेचने फोन का या लोकल चाइनीज फोन का क्योंकि तो आप जब अलग जुदा बनना चाहते हो तो फिर आप क्या आर एंड डी आपका सुपर होना चाहिए आप बताओ कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में किसका प्रॉफिट <laughs> आप, आप प्राइस कमी नहीं करो आप बोलते हो दस हजार का फोन नहीं डेढ़ लाख का फोन आपका करो डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। कॉस्ट और डिफरेंसिएशन में एक बात मुझे बताओ अगर कंट्री प्राइस सेंसिटिव है तो यू शुड गो फॉर और प्राइस इनसेंसिटिव है तो कौन से लोग क्वालिटी पर फोकस करते हैं अब मैंने गुरुकुल लाया है तो मैं डिफ्रेंसिएशन आई एम फोकसिंग ऑन क्वालिटी नॉट ऑन द कॉस्ट बिकॉज द मोमेंट यू थिंक फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप क्वालिटी का नहीं सोचते हो आप बोलते क्वालिटी के तेल लगाने मेरे को मेरी कॉस्टिंग कम करना है अरे समझो यारो बट वेन यू आर डिफ्रेंसिएशन आपको पता है आप जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हो तो एप्पल फोन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा चाहे उसकी केबल की क्वालिटी हो चाहे उसके अंदर बॉक्स के अंदर रखा मैनुअल की क्वालिटी हो वो क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है अरे जो डिफ्रेंसिएशन वाले क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते है? अब जब उसको इतना भर भर के पैसा मिलने ही वाला है तो क्वालिटी क्यों क्वालिटी कौन कॉम्प्रोमाइज करता जब उसकी कॉस्ट बढ़ा नहीं सकता अब जिसको जिसने डिफ्रेंसिएशन करके बहुत पैसा लंबा चार्ज करना है तो यू विल नॉट थिंक ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट अरे भाई मैं बोल रहा हूं लोग दे रहे हैं ना मुझे एक्स्ट्रा डेढ़ लाख का फोन ले रहे ना तो केबल क्यों छपरी दूंगा मैं बैटरी भी अच्छी दूंगा ना खराब अभी डेढ़ लाख लेने के बाद भी साला तुम खराब बैटरी क्यों दोगे तो वेन यू थिंक अबाउट क्वालिटी जब आप डिफ्रेंसिएशन पे आते हो बट जब आप चाइना के लोकल फोन बन जाते हो तो फिर बोला बैटरी सस्ती डालो केबल हल्का डालो वो मैनुअल पेपर भी देता है ना वो भी वो ब्लैक एंड व्हाइट डालते हैं अंदर क्यों बिकॉज फोकस उनका अरे बेचारों को छ हजार में क्या बचेंगे वो भी तो सोचो ये डेढ़ लाख चार्ज कर रहे हैं तो देंगे अच्छा अभी छह हजार में कॉस्ट जाने के उनको प्रॉफिट भी तो बचना चाहिए तो हर चीज में दे डोंट थिंक अबाउट क्वालिटी देन दे थिंक अबाउट ओनली कॉस्ट तो वो दे थिंक अबाउट क्वांटिटी थिंग अबाउट बिकॉज सस्ता माल होगा तो बहुत लोग बाय करेंगे महंगा होगा थोड़ा तो सा क्वालिटी ओरिएंटेड, तो विच वन क्वांटिटी ओरियन बिचोल विच वन कॉस्टो क्वालिटी ओरिएंटेड, ये बात आ दिमाग मो अच्छा ये अपना डिफरेंस क्लियर होके अब जरा यहां पे देख लो स्क्रीन पे कुछ ब्रॉड और कुछ नैरो लिखा है तो ब्रॉड के सामने भी कॉस्ट डिफ्रेंसिएशन है अरे बोलो और कॉस्ट के सामने भी सॉरी नैरो के सामने भी है अब जब मैं सीए की प्रैक्टिस चालू करूं या मतलब मैं, मैं दुनिया में कभी भी कुछ नया काम चालू करता हूं मेरे पास में दो सवाल होते हैं मैं डिफ्रेंसिएशन करूं, करूं और ब्रॉड करूं या नैरो करूं मेरे पास दो सवाल होते हैं आई रिपीट अगेन कौन से सवाल होते हैं बताओ एक तो मैं कॉस्ट करूं डिफ्रेंसिएशन करूं सस्ता बेचू या अलग बेचू या फिर दूसरा सवाल होता है मैं ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कस्टमर को सर्व करूं या स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल को यहां पर बच्चों के कपड़े मिलेंगे उम्र सिर्फ दो, दो साल की वो भी लड़कियां यानी कि यू आर वेरी स्पेसिफिक एक तो बच्चे चाहिए उसको और वो भी उम्र इसका मतलब आपका ब्रांड बहुत नैरो वाला ब्रांड है यू आर फोकसिंग ओनली ऑन बेबीज और वो भी नहरो मतलब आप, आपका टारगेट कस्टमर बहुत ना बहुत आपको बहुत काम नहीं करना छोटे लोगों में आपको क्रांति करना है एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ऑनली ऑन वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी पीपल राइट दे डोंट वांट टू सर्व वेरी लार्ज जैसे एग्जाम्पल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट यहां पे पुणे में एक रेस्टोरेंट है वैशाली रेस्टोरेंट साउथ इंडियन ओनली साउथ इंडियन वो चाहता तो पंजाबी बना सकता है चाइनीज बना सकता है इटालियन बना सकता है मैक्सिकन बना सकता है सब बना सकता है बट तो उसको चाइनीज नहीं बनाना उसको उसको सिर्फ लोगों को खिलाना है डोसा इडली सांबर एक नंबर फोकस अगर मैं पंजाबी बनाने लग जाऊंगा ना और चाइनीज बनाने लग जाऊंगा तो लोग भूल जाएंगे मैं साउथ इंडियन कैसा बना रहा था बिकॉज मैं जब बहुत चीजें बनाता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मेरा स्पेशलिटी क्या है देन आई विल नॉट बी एबल टू मेक गुड तो इस लोग कुछ लोग क्या करते बहुत मत काम यही काम करूंगा पर आप यहां पे आएंगे डोसा चटनी सांबर एक नंबर देंगे पर हम सब करेंगे तो सब भूल जाएंगे टेस्ट भूल जाएंगे ना तो क्या होता है पर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होंगे आपके शहर में भी यहां पे क्या क्या मिलता है पंजाबी चाइनीज पाव भाजी सब पूरा मेनू दे देंगे इधर मतलब आप मांगो वो मिलेगा उसके रेस्टोरेंट में इसको लेंगे ब्रॉड क्या बोलेंगे ब्रॉड मतलब फिर आप उस उस एरिया का सब कुछ कर रहे हो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको आप साइकिल बनाते हो वो भी सिर्फ बच्चों की ने रो। ने रो। पर आप साइकिल ही बनाते हो बच्चों की बूढ़ों की अपाइज लोगों की सब बना सारी रेंज है आपके पास ब्रॉड एक बच्चा बोल रहा है सर ब्रॉड मतलब क्या जब वो साइकिल बनाता है तो वो तो कार नहीं बना रहा है वो तो एरोप्लेन नहीं बना रहा है ए भाई फिर तो दुनिया में ब्रॉड कोई भी नहीं आएगा ब्रॉड का मतलब है उस इंडस्ट्री का सब कुछ बना रहे साइकिल की इंडस्ट्री का सब बना रहे इसका मतलब ब्रॉड जैसे दुनिया में आप बोलेंगे कोई भी इंसान ब्रॉड नहीं है अच्छा अच्छा जियो टेलीकॉम क्या है ब्रॉड क्या नहीं क्यों वो तो सिर्फ सिम कार्ड ही बना रहा है जियो डाइपर नहीं बनाता क्या जियो के डाइपर देखिए कभी फिर आप बोलेंगे तो जियो की कार देखिए जियो के अस्पताल देखिए फिर भी वो ब्रॉड है क्यों बिकॉज वो टेलीकॉम का फाइव बना रहा है फाइबर बना रहा है टेलीकॉम का डेटा बना रहा है टेलीकॉम का सब कर रहा है ना तो मतलब ब्रॉड एग्जाम्पल जॉनसन जॉनसन बेबी ओनली 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 बेबी नो बाबा वी मेक प्रोडक्ट ओनली फॉर बेबीज नॉट फॉर बाबस बेबीज ओनली बेबीस हमारा नाम है नैरो हमें जॉनसन जॉनसन बेबी पर बाबा रामदेव वाला ऐसा नहीं मैं बेबी के लिए भी बनाऊंगा बाबा के लिए बनाऊंगा बिकॉज मेरा नाम बाबा है पतंजलि सिर्फ बच्चों के शोभ नहीं बनाता बच्चों को हमने लाया शीशु के <laughs> यार तुम बसते हो यार मेरे पर मतलब मैं बिल्कुल समझता नहीं आप मेरे जब पढ़ा हंसते क्यों देखा अरे हम बोलते तो हम गलत बोलते हैं क्या हम जब भी बोलते आप हंस देते हो ये क्या है अभी क्या पढ़ू मैं शीशु नहीं पढ़ू तो क्या पढ़ू ये भी मतलब क्या बेटा ये सबको ध्यान रखना है आने वाले बच्चों के लिए सबके दो दो चार चार हो जाएंगे ये बाद में यही काम आएंगे हम आम तो हमारे सात आठ जो भी होंगे शिशु केयर पर बाबा बोलते हैं अच्छा बाबा पतंजलि ब्रॉड है है और जॉनसन जॉनसन भी भी एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया ऐसा क्यों बाबा भी शिशु बनाते हैं और पत, क्या बोलते जॉनसन जॉनसन बेबी भी बच्चों के लिए बनाता है मैंने कहा बाबा जो है ना शिशु तो बनाते ही बनाते हैं तेरे जैसे बाबा के लिए भी बनाते बाबा पतंजलि की सोप आती है शैम्पू आते हैं आते हैं नहीं आते हैं तो इसका मतलब बाबा क्या कर रहे हैं हाँ बाबा का फोकस है बच्चों पे नहीं है सब पे जिसको जो लगा अरे भैया आजकल तो पतंजलि मेगा स्टोर खुल गया है बाबा पतंजलि का जो है ना एसक्यूज इतने बड़े हुए है ना वो मतलब अब उनके पतंजलि स्टोर में के तो आप देखना क्या क्या बनाते हैं आपने देखा ना भी संस्कारी जींस ब्रॉड बना देते पूरा आपका हौला जूस चाहिए हाँ वही अवला जूस औवला जूस शीशुकेर बा, बाबा की प्रोडक्ट नहीं पता क्या आपको <laughs> ये देखो बाबा के प्रोडक्ट्स आपको बाबा की प्रोडक्ट नहीं पता देखो सारी भी बैग्स मतलब बाबा ने क्या नहीं बनाया किसको चाहिए चंदन की खुशबू बुसाड़ी में भैया तेरा इंटरेस्ट अलग लग रहा है मुझे बोला चंदन की खुशबू वाली साड़ी चाहिए भैया ये आशिक दिख रहा है मुझे अब देखो बाबा के फूड देखो पतंजलि सब्जी मसाला पतंजलि चिली पाउडर स्मॉल क्या लिखा कैरम सीड्स दुनिया की चीजें बनाते बाबा बाबा का वो भी आता है अरे जो चलते बेहती गंगा में सब धो लेते हो कोरोना का चाहिए बना दे रहे इनके लिए वो क्या बोलते थे उसका नाम सैनिटाइजर बाबा का बाबा का सैनिटाइजर बाबा के बाबा के सब आता है बाबा का चूर्ण आता है बाबा का क्रीम आता है बाबा का मसाला आता है तो बाबा बाबा का सब मिलेगा बाबा का चूर्ण आता है अरे वो सब बना दे रहे बाबा ने एक कॉन्सेप्ट चालू किया है बाबा डज नॉट मेक मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन इज ओन ही डज आउटसोर्सिंग बाबा इज वेरी स्मार्ट क्या होता है बाबा को पता है पतंजलि देख के सबका विश्वास आ जाता है बाबा क्या करता है अच्छा सैनिटाइजर चाहिए क्या अरे कौन बनाएगा सैनिटाइजर मेरे लिए अरे बाबा मैं बनाऊ बाबा मैं बना दू इधर आ रहे दस लोग बोलेंगे मैं बनाता कौन सस्ता बनाएगा आप आ जाओ इनको लो अकेले में तो अभी बाबा ने बोला ये अभी बनाएंगे बाबा का पतंजलि का कॉन्सेप्ट नहीं है सैनिटाइजर सुनो मेरी बात बाबा इज वेरी स्मार्ट इज वेरी बिग ऑन्टरप्रीनियर वो क्या करेंगे हम नहीं बना सकते ना उसके ऊपर पतंजलि का ब्रांड लगाओ भैया क्वालिटी में गड़बड़ने हो ना मेरा नाम नहीं करा ना मैं बाबा हूं ब्रांड अच्छा ऐसा नहीं कुछ भी दे रहा है बट अब यार हर चीज थोड़ी ना खुद बनाएंगे यार इतनी चीजें कौन बनाएगा खुद से हर चीज में तो है क्या क्या बना रहे दुनिया के आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बना दी ये ले लो क्या क्या है ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ब्रॉड एक बताओ अमेजॉन क्या है ब्रॉड एंड एरो अनडाउटेडली ब्रॉड है बिकॉज क्या नहीं मिलता अमेजॉन में एक बात बताइए मुझे मैं आपको एक ब्रांड का नाम बताता हूं एक इंसान से आपको मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम है बर बेनार्ड अर्नोल्ड। इस समय वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है इलान मस से भी जिसकी ज्यादा संपत्ति नाम तो सुना होगा ब्रांड सुना होगा एलवी गुच्ची डियोर फेंडे इन सबके ब्रांड का मालिक वर्ल्ड के सबसे महंगे ब्रांड का मालिक नाम तो सुना होगा सर हमने कुछ नहीं सुना है इस इंसान को आपने सुर्खियों में नहीं देखा होगा पर दोस्तों ये अभी इस समय का वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन माना जाता है जहां पे सबसे ज्यादा कीमत के प्रोडक्ट मिलते हैं ओनली लग्जरी वो बोलता है आम आदमी मेरे दुकान पर ना आए लिखते बार बोर्ड है दुबई मॉल में आधे से ज्यादा ब्रांड इसके है बॉम्बे में वो उसके बेटे ने कोई मॉल खोला रिलायंस का उस मॉल के अंदर भी आधी शॉप आदमी की है पूना में एक भी शॉप नहीं बोलता है। जिन लोगों के पास में पैसा नहीं मुझे वहां पे बुलाओ मत एलवी के शोरूम में जब मैं दुबई में गया वो बोलता प्लीज टेक द अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट क्या वो आपके औकात चेक करते हैं औकात होगी तो अंदर जाओ टाइम पास पोखड़ में अंदर मत जाओ बंदा कौन है आइए जरा देखते सत्तर ब्रांड का मालिक है वर्ल्ड के सत्तर ब्रांड वो भी एकदम लग्जरी लग्जरी मतलब लग्जरी सारे लड़कियों को तो कम से लड़कों का जान दो लड़कियों को अगर ये ब्रांड नहीं पता तो क्या पता सर ऐसा क्यों लड़की ले लड़कियों के जो पर्स बनाते हैं और लड़कियों के लिए जो और भी ऐसे फैशन वाली जो चीजें बनाते हैं ओ माई गॉड सुपर एक्सपेंसिव अगर मान लो आपको लगेगा मैं जिंदगी में सबसे कौन सा महंगा ब्रांड ले सकती हूं हैंड पर्स वे हैंड पर्स हम गए थे गलती से एक बार उसके बाद में गया नहीं मेगा गया था लेना पड़ा मुझे पौने चार का गुच्ची का ब्लैक बैग लिया मैंने खोल के देखा उसमें सिर्फ एक मोबाइल बैठता बस उस इतू सा बैग बाहर लिखा गुच्ची बेस्ट पर जिसको समझता उसको अच्छा गुच्ची समटाइम्स यू हैव टू कैरी योर सेल्फ इंड ऑफ पीपल आपको ग्लैमर वाले लोग चाहिए आप, आप, आप बंद हो गए क्या स्क्रीन स्क्रीन आ रहा है देखिए ये कब से बंद हो रहे हैं अभी हाँ आदमी को देखिए भाई आपको आज इसकी इसका स्टडी कर, कर लिया ना आपने आप फैन बन जाओगे इसके इस चेहरे से आपको सिक्सटी सेवेंटी लग रहे होंगे हाँ भैया नंबर वन है नंबर वन वर्ल्ड में और ब्रांड देख रहे हो इसमें से बताओ कौन सा ब्रांड आपने देखा डिओर अरे क्रेज़ी इनसे आदमी है ये एक भी ब्रांड सस्ता नहीं बनाया सस्ते लोग आने का नहीं मेरे पास आओ मत वर्ल्ड के आधा परसेंट लोग मेरे क्राउड है परसेंट को मैं गिनता भी नहीं और ऐसा करके उसने नीश नैरो नैरो वेरी, वेरी स्पेसिफिक ओनली एंड ओनली अमीर ज्यादा अमीर नहीं अल्ट्रा एचनाई नॉर्मल आम आदमी आने का नहीं दुकान पर भी आओ मत औकात नहीं और देखो ये। क्या लिखा है ये सब आप देखा होगा बलगरी हबलट की वॉच कितने का वॉच वॉच का प्राइस मैं गया था मेरा ड्रीम है मैं लूंगा कभी उसको 52 टू लैक्स द प्राइस का वॉच वॉच का प्राइस 52 टू लैक्स वॉच वाई मैंने कहा है क्या ब्रांड और उसके अंदर पूरा डायमंड लगाया था वो अलग है पर डायमंड पांच दस लाख का बाकी चालीस लाख ब्रांड के भाई आदमी ने इतनी आलोचना का शिकार हुआ है आदमी लोग बोलते तो तू तो पागल है तू तो इतना महंगा कैसे बेच रहा है अरे घड़ी दो सौ रुपए की भी टाइम दिखाती यार ये कौन सी घड़ी बेच रहा है उसको दिखाना ही है तो वो क्यों पहनेगा आम चीज है वो यही चीज है अभी चलो अपने पास पैसा तो जिसके पास में होगा शाहरुख खान है तो क्यों करेगा यार यही लेगा ना अब जिसके में इतना पैसा है उसका वो ही नहीं है सीमा नहीं है तो ये सब लोग ये बंदा एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर नैरो छोटे लोगों के लिए चीजें बनाता ही नहीं कोई भी ब्रांड देख लो भैया इसका कोई भी ब्रांड ये देखो ये अरे ये फेंडी है ये फेंडी एलवी का एल का एक बेल्ट मैंने लिया था गलती से एक लाख दस हजार भाई बेल्ट कितने मिलता है हजार ग्यारह सौ में आठ सौ में बेल्ट मिलता है मार्केट में बेटा तीन सौ में बहुत बहुत आगे जाएगा तीन सौ में मिलता है देखे देखे नहीं नहीं अभी क्या है आप सर कौन जाता देखो भाई आप अपना जान दो बहुत छोटे लोग पर कुछ लोग हैं ना भाई जिनके उसमें बहुत पैसा है ब्रांड का वो लोगो बस बाकी आप, आप समझे नहीं इसका फायदा कैसा है आप जब ऐसा पहन रहे हो जो आप जिस लोगों में शामिल होना चाहते हो अभी जितने क्रिकेटर्स ये पे छोटे छोटे बच्चे आईपीएल में क्रिकेट खेलते हैं उनको अपना दिखाना ना भाई कार्तिक आर्यन छोटा सा बच्चा है के ले ले पहनेंगे उसको रहना भी तो उन लोगों में ना अब उस वो पार्टी को जा रहा है रणबीर कपूर के साथ और पहन ले ग्यारह सौ रुपए का बेल्ट कैसा दिखेगा तो उसको भी तो अपना तो वैसा होता है अब वो आ, अपने को ऐसे लोगों में उठना बैठना नहीं और अपन पहनेंगे के लोग बोले अपन एक लाख का लोग बोले ए कितने मिला हजार मिला है क्या वो तो आप समझे आपको क्या करना है उसके ऊपर है बड़ी आदमी ने सोचो क्या बिजनेस बनाया स्पेसिफिक एक नंबर बिजनेस बनाया इसने भाई वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है द बिगेस्ट लग्जरी सेवेंटी ब्रांड्स का ओनर है ये आपने सिफोरा देखा होगा लड़कियों की कॉस्मेटिक आती है इसमें सिफोरा ब्रांड जाके कहना कभी सिफोरा सिफोरा इज द ओनर ऑफ कॉस्मेटिक का द लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड सिफोरा लिपस्टिक लाइनर काजल जो लगाना लगा ब्रांड सिफोरा इस बात को इसको तो इसका सबसे बड़ा ब्रांड है एलबी जो दिख रहा नहीं इसमें ये ये नीचे इसका ये है फेंडी भाई साहब ये आदमी का देखो जैसे आदमी है जब भगवान देता है ना छप्पर फाड़ के देता है ये प्रोडक्ट लाया था फेंडी बैग्स पर्स लड़कियों की नाम इतना फेमस हो गया वो उसके फैब्रिक इतना फेमस हो गया पर्स का देखो फेंडी की पर्स दिखा दूंगा आज अजय एक्ट्रेस मर गई अरे कौन सी पूनम पांडे ये देखो ये बैग्स बेटा प्राइस देखो अरे सिर्फ देखो जरा बेटा प्राइस कितने है अरे वाह कितने का है देख रहे है कितने का है अरे वाह क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा भाई मार्जिन सेल कम होने तो चलेगा मार्जिन भाई बनता तो हजार दो हजार का ही होगा सिर्फ लोगों हो दो का चार में बनता होगा। ये होता है, का बेस्ट और आपको पता है सर आपने क्यों दिया बिकॉज हम लोग आज जो कर रहे हैं ना ये बंदे ने क्या बोला मैं आम आदमी के लिए प्रोडक्ट बनाएंगा नहीं सब लोग मेरे पास आएंगे नहीं एक्ट्रेस मर गए देखो द एज ऑफ थर्टी टू बत्तीस साल की कैंसर था वो सर इसने ब्रांड कैसा भैया बनाते बनाते पचास साल लग गए उसको। उस बंदे को सर्च करना पड़ेगा आपको देखो टॉप रिचेस्ट पर्सन दू वो, वो एक दो नंबर पे आते थे शेयर मार्केट के ऊपर कल एक नंबर पे था दो नंबर देखो ओके देखो uh, मैं क्या बता रहा था आपको Waters. अगर आपको ये विदाउट एग्जाम्पल्स पढ़ना तो मैं आपको सॉलिड पढ़ा सकता हूं विदाउट एग्जाम्पल भी अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे नहीं तो एग्जाम्पल आपको पसंद आ रहे हैं yeah. नहीं तो मैं थेरी पढ़ा पढ़ा कर आपको सबको सुला सकता हूं yeah. आप बोलो दस मिनट में लेटा दूंगा ये थेरी भाई थेरी पर ये मैं आपको बता रहा हूं आई विल नेवर मेक यू फील इट इज थे वरना मैं बोलूंगा कॉस्ट सस्ता बेचने वाले को कॉस्ट कहते हैं अलग बेचने को कहतेशन कहते हैं हो गया भाई एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं ना वो कॉन्सेप्ट समझता नहीं रजिस्टर होता है ये कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ रहे हो ना वो ब्रेन में छप रहा है देन यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट वो हो जाएगा याद ये एफर्टलेस है समझ रहे हो इसके बाद में आप एलवी अपने आप से एलवी ओ नैरो में डिफरेंशिएशन है ये चलो मैं एक सवाल पूछता हूं। एक है अपोलो हॉस्पिटल जहां हर किसी मरीज का इलाज होता है और एक है मान लो डॉक्टर पांडा ये हार्ट के बहुत बड़े सर्जन है पूरे इंडिया में आ, लिमका बुक में उनका रिकॉर्ड है इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बाईपास किए उन्होंने हार्ट के बाईपास हार्ट बाईपास समझता है पूरा बॉडी खोल के आपका हड़ बाजू में रख के उसमें दूसरी नसें जोड़ते हैं थाज, थाज की नस निकाल के हार्ट बहुत क्रिटिकल काम है इसे इमेजिनेशन भी मत करना ठीक है ना वो दिन में तीन चार करते हैं लालू प्रसाद मनमोहन सिंह का भी उन्होंने किया हुआ है डॉक्टर पांडा डज नॉट चेक इफ आप बोलेंगे मेरा सर दुख रहा है पेट दुख रहा है मुझे कुछ हाथ पैर दुख रहे हैं। वो बोलते सब मेरे पास नहीं आओ ऑर्थोपेडिक नो no, गायनोकोलॉजिस्ट नो no, ब्रेन नो no. वो बोलता ओनली हार्ट ऑल इज वेल नैरो ओनली हार्ट दैट्स इट आपके बॉडी में कितने आइटम हो गए देख लो उसमें सिर्फ हार्ट चेक कर पर अपोलो हॉस्पिटल पुणे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी जिस मैं आ रहा हूं एक मिनट में आ रहा हूं ऊपर से नीचे तक कुछ भी आप बीमार हो अपोलो में जो भी आपके शहर का बड़ा हॉस्पिटल होता है बात हो, सब चलता है ना इसका मतलब क्या हो वो ब्रॉड हो गया समझ आ रहा है ब्रॉड और नो को अरे आपको मेरा, मेरा सवाल नहीं लैमबोर्गी किस में आएगा भाई लेम्बोर्गी अपन गरीब मानुस रहे के नहीं के क्या ब्रॉड क्यों नेहरो बोला नहीं तो कार तो बना रहे ना मारुति भी कार बनाता है ये भी बनाता मारुति ब्रॉड है ये नैरो बोले सबके नहीं अगर आप उस इंडस्ट्री के बहुत लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो लार्ज तो ब्रॉड हो मारुति टाटा ब्रॉड लैमबर नहीं फर्रारी रोल्स रॉयस डुकाटी हार्ली डेविडसन बाइक हार्ली डेविडसन आप जानते होंगे जितने मर्द है पे जानते होंगे सर दस लाख बारह लाख पंद्रह लाख क्या है वो भाई समझता नहीं क्या के पैसे ले रहा है बारह पंद्रह लाख का उसका सी हजार सीसी बारह सो सी पर गाड़ी है भाई वो आपको जिसको शौक है उसको शौक है बाकी लोगों के लिए नॉर्मल गाड़ी है पर जिसको शौक करना है वो अलग चीज है हार्ले डेविडसन क्या है नहर क्यों नहरो तो बना था, बना था।, बना था।, था, था। सर आप बाइक बनाता इसका मतलब बाइक आप किसके लिए बना रहे हो भाई आप स्पेसिफिक फोकस कर रहे हो इन लोगों पे बस मुझे सबके लिए नहीं बना सुना एक याद रख लेना एक कंपनी इसका नाम है फोक्स वैगन वो कंपनी है सबकी ओनर ये आपके दिमाग में डाल देना स्पेलिंग बोलो रहे भैया आपके लिए टाइम पास होगा ये। आज के बाद में सैल्यूट करना इस कंपनी को इस सबका बाप कंपनी फोक्स वैगन और उसके बेबी कंपनी से ऑडी स्कोडा दुकाटी बेंटली, पोर्शे ये सब एक मालिक की भाई ये सब कंपनी का बाप एक है जैसे उसने कपड़ों में ब्रांड बनाना फैशन में कौन ओ बर्नाल्ड क्या है नाम उसका ये फोक्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ये सब ब्रांड उसके हैं ये ऑडी स्कोडा ये बेंटली पोर्शे क्या है भाई, भाई क्या बनाया इसने दुकाटी ये सबका बाप एक है होल्डिंग पेरेंट कंपनीज का फोक्स करना ये सब सब्सिडीज क्या मजा आता होगा इसको काम करने सारे ब्रांड उसके चाहिए भाई ये वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड्स है सब एक बात पूछना चाहता हूं ये बेंटली ये रोल्स रॉयस अरे आम आदमी के लिए नहीं बनाते भाई चार करोड़ पांच आठ वो अलग लेवल है नैरो है तो सर नैरो करना के ब्रॉड करना अब आपको रोलेक्स बनना है फास्ट ट्रैक बनना आप डिसाइड करो

पर आपको कॉस्ट डिफ्रेंसीशन नैरो ब्रॉड क्लैरिटी है ना भैया yes, मजा आएगा नहीं आपको yes, अरे बोलो ना yes, मैंने आपको पहले एक बात कही थी मैं आपको इतना बोर कर सकता हूं ना लेक्चर उसकी सीमा नहीं पर मैं खुद ऐसे पथिटिक वे में नहीं पढ़ा सकता हूँ आई ऑलवेज फील इट हैज टू बी आप जब लेक्चर करते हो ना आपके देखो आपको मजा आता है इट्स अ रियल लाइफ अगर मैं थेरी में लेटा तो आपको ई विल गो मैड आपको लगे एस एम बर्डन है एस एम शुड नॉट बी बर्डन इट शुड बी फन आपको एस एम करके चैनल लगना चाहिए मैं कुछ सीखे जा रहा हूं देखो आज आपने इतनी सारी चीजें सीखी ना आपको किसी को फ्लॉन्ट करने में मजा आएगा ए, तुझे मालूम मानो मुझे मालूम है बिकॉज आपके बहुत सारे जो दोस्त उनको पता भी नहीं हो गए अरे आपको नहीं पता तो आप सी कर रहे हो तो बाकी बीकॉम वालों का ही दो और इंजीनियर्स का तो बिरादरी का है नहीं है ये साइंस आर्ट्स उनको तो पता ही नहीं है ना ये तो अपन अलग चीज में पड़े कॉमर्स वाली चीज है तो ऐसी चीजें समूव करने का इसके बारे में पढ़ने का और मौका मिला तो सबके सामने आई नो अबाउट अब अरे तक तो पता नहीं ये नहीं पता अच्छा एंड ऑब्वियसली यू शुड ऑल्सो शेयर दिस नॉलेज विथ योर पेरेंट्स फ्रेंड्स कि पापा बिजनेस ऐसा भी होता है पापा आप सस्ता आप पापा को पापा अपना बिजनेस सस्ता का अट्रैक्ट करने का है कि डिफ्रेंसिएशन का है और अगर उसके जवाब नहीं है इसका मतलब अभी भी अपने बिजनेस में क्लैरिटी नहीं है दिस शुड बी स्ट्रेट आंसर बेटा हम लोग सस्ता करके अट्रैक्ट करते हैं अलग देखें अगर हमारा प्रोडक्ट सस्ता भी नहीं है और अलग भी नहीं है मतलब महंगा भी है और अलग भी नहीं है तो दुकान चलेगी नहीं अगर वो महंगा है तो वो अलग होना चाहिए समझ में आ अरे और अलग नहीं बना सकते हैं सस्ता बेचो तो दोस्तों आई होप अपन ने काफी चीजें लिए इसका पूरा रिविजन के साथ में सारी चीजें हम लोग कल करेंगे अभी के लिए बाबा गैस टेक केयर थैंक यू सो मच वर्धमान कावेरी थैंक यू सो मच एवरी वन दो यू सो मच कल सारे के सारे सारे के सारे आ, ये जो एग्जाम्पल्स हम लोग कल लिखेंगे ओके okay? अकाउंट है ना अभी अकाउंट से तुरंत चालू हो रहा। कल हमारा लेक्चर वैसे होगा जैसे चल रहा है थैंक यू बाय 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 गाइस केयर